खुदावंत की ज़िंदा और पाक कलाम में से सलातीन की दूसरी किताब उसका आठवां बाप और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जिलाया था ये कहा था कि उठ और अपने कुंबे समेत जा और जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह क्योंकि खुदावंत ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में सात बरस तक काल रहेगा भी बूस औरत ने उठकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुंभ समेत जाकर फ़लस्ती के मुल्क में सात बरस तक रही और सातवें साल के आखिर में, में ऐसा हुआ कि यह औरत फ़लस्ती के मुल्क से लौटी और बादशाह के पास अपने घर और अपनी ज़मीन के लिए फरियाद करने लगी उस वक्त बादशाह मर्द खुदा के खादिन जियाजी से बातें कर रहा और ये कह रहा था कि ज़रा वो सब बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता और ऐसा हुआ कि जब बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दा को जिलाया तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जिलाया था आकंत के हुजूर अपने घर और अपनी ज़मीन के लिए फरियाद करने लगी तब जहाजी बोल उठा ए मेरे मालिक बादशाह, यही वो औरत है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया तब बादशाह ने एक ख्वाजा सरा को उसके लिए मुकर कर दिया और फरमाया कि सच जो था और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक, तक की खेत की, की सारी पैदावार इसको फेर दो और अलीशा, अलीशा दमिश्क में आया और शाह आराम बिन हदत बीमार था और उसको ख़बर हुई कि वो मर्द खुदा इधर आया है और बादशाह ने इज़ाइल से कहा के अपने हाथ में हदिया लेकर मर्द खुदा के इस्तकबाल को जा और उसकी मार्फत खुद से दरियाफ़त कर कि मैं इस बीमारी से शिवा पाऊंगा या नहीं बस ईसाइल उससे मिलने को चला और उसने दमिश की हर नफीस चीज़ में से चालीस ऊँटों पर हदिया लदवा कर अपने साथ लिया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा तेरे बेटे बिन हदद शाह आराम ने मुझको तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं अलीशा ने उसे कहा जा उससे कह तू जरूर शिफा पाएगा तो भी खुद ने मुझको ये बताया है कि वो यकीनन मर जाएगा और वो उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहा यहाँ तक कि वो शर्मा गया फिर मर्द खुदा रोने लगा और इज़ाइल ने कहा मेरा मालिक रोता क्यों है उसने जवाब दिया इसलिए कि मैं उस बदी से जो तू बनी इसराइल से करेगा आगा हूँ तो उनके किलों में आग लगाएगा और उनके जवानों को तैय करेगा और उनके बच्चों को पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा और उनकी हामला औरतों को चीर डालेगा इसराइल ने कहा तेरे खादिम की जो कुत्ते के बराबर है हकीकत ही क्या है अलीशा ने जवाब दिया खुदावंद ने मुझे बताया है कि तू आराम का बादशाह होगा फिर वो अलीशा से रख्सत हुआ और अपने आगा के पास आया उसने पूछा अलीशा ने तुझसे क्या कहा उसने जवाब दिया कि उसने मुझे बताया कि तू जरूर शिफा पाएगा और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने बाला को लिया और उसे पानी में भिगो कर उसके मुंह पर तान दिया ऐसा कि वो मर गया और इजाइल उसकी जगह सल्तनत करने लगा और शाह इसराल अखिया के बेटे योराम के पांचवें साल जब यहूदा का बादशाह था शाह यहूदा याहूस्फ़त का बेटा यहूराम सल्तनत करने लगा और जब वो सल्तनत करने लगा तो बत्तीस बरस का था और उसने यरूशलेम में आठ बरस बादशाही की और वह भी अखियाब के घराने की तरह इसराइल के बादशाहों की राह पर चला क्योंकि अखियाब की बेटी उसकी बीवी थी और उसने खुदावंत की नज़र में पदी की तो भी खुदावन ने अपने बंदा दाऊद की खातिर ना चाहा कि यहूदा को हलाक करे क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे उसकी नस्ल के वास्ते हमेशा के लिए एक चिराग देगा उसके दिनों में अदम यहूदा की अतायत से मुनहरफ हो गया और उन्होंने अपने लिए एक बादशाह बना लिया तब योराम सैर को गया और उसके सब रथ उसके साथ थे और उसने रात को उठकर कर अधूमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के सरदारों को मारा और लोग अपने डेरों को भाग गए सो अदोम यहूदा की अत से आज तक मुनहरफ है और उसी वक्त लिबना भी मुनहरफ हो गया और योराम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं और योराम अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ और उसका बेटा अखज़िया उसकी जगह बादशाह हुआ और शाह इसराइल अखियाब के बेटे योराम के बारहवें बरस से शाह यहूदा योराम का बेटा अखजिया सल्तनत करने लगा अखजिया बाईस बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में एक बरस सल्तनत की उसकी माँ का नाम अतलिया था जो शाह इसराइल उमरी की बेटी थी और वो भी अखियाब के घर की राह पर चला और उसने अखियाब के घराने की मानंद खुदावंत की नज़र में बदी की क्योंकि वो अखियाब के घराने का दामाद था और वह अखियाब के बेटे योराम के साथ रामात जिलाद में शाह आराम इसाइल से लड़ने को गया और आरामियों योराम को जख्मी किया सो योराम बादशाह लौट गया ताकि वह यज़रेइल में उन जख्मों का इलाज कराए जो, जो शाह आराम इज़ाइल से लड़ते वक्त रामा में आरामियों के हाथ से लगे थे और शाह यहूदा यहूराम का बेटा अक्सिया अखियाब के बेटे योराम को देखने के लिए यज़रेइल में आया क्योंकि वो बीमार था आमीन